माड़े हालातों के सरकार ने कह दिता भी अपना शटर सुट दो पर साड़ी आवाज नहीं पुछी गई लोगों के कोल सी लोगों ने आप दूजिया वंडिया पर अज तो लोग ही भुखे मर गए हम लोग जान किधर एक साल तो हो गया सानू बीमारी ना लड़दियां देखो मंत्री आए तो दूजे तीजे उन्होंने तनखावां बंद कीतियां जाण वेखो भला चीकदे कि नहीं चीकदे वो आउंदे आ चोर तरह कह देंदे भी अद्धे तो शटर खोल के काम चलाओ मुड़ के दोबारा पुलिस आउंदी आ ते वो डांग फेरन लै पैंदी आ। संयुक्त मोर्चे के सदे की कॉल का अज सूबे भर च असर देखने मिल रहा है जिस दे तहत किसानों ने अज लॉकडाउन का विरोध किया है ते दुकानदारां तो दुकाना खुलाउण लई रोस मार्च किया है। जेकर गल करिए अमृतसर की जिथे किसानों वल्लों धक्के नाल कार वाशिंग वाले का शटर खुलवाया गया जिसकी वीडियो यह तुहाडे सामने है। उधर इस संबंधी किसानों का कहना है कि सरकार कोरोना के नाते लोगों को डराउंदी धमकाउंदी है इसलिए असी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। असी ये प्रोटेस्ट इस करके किया जी संयुक्त किसान मोर्चे वालों कालवाई अकाल आई सी सानू भी जी 8 तरीक न सारिया दुकाना खिलाईया जाए दुकानदारों का जो मुश्किल वो सुनिया जा दुकानदारों दी मुश्किलां अं कल सुनिया उन्होंने पूछा गया भी तुहानू की तकलीफ आ उन्होंने दस्सिया भी साडियां दुकानां दे पिछले एक साल तो इतना अगे होया है तो अभी दोबारा वापस माह ही पहुँचे आ कि सानू किराए दुकाना के किराए देने पे कई दुकाना भी छड़निया पईआं कईआं दे घरां दीआं किश्तां टुटियां कईआं दीआं लेबरां भज गईआं मतलब बड़े माड़े हालातों के सरकार ने कह दिता भी अपना शटर सुट दो पर साड़ी आवाज नहीं पुछी गई जो पिछले साल च आपां वेखदे जो लोगों के कोल सी लोगों ने आप दूजिआं नूं वंडिया पर अज तो लोग ही भुखे मर गए हुण लोग जाण किधर एक साल तो हो गया सानू बीमारी नाल लड़दिआं साल दे विच सरकार ने कुछ भी नहीं किया कोई प्रबंध नहीं किया कोई ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कोई हस्पताल का प्रबंध नहीं ये सरकार की नलायकी आ कैप्टन तो इतना सुत्ता पिया वा इतना कुंभकर्णी नींद सुत्ता पिया जिन्हों पता ही कख नहीं आ बिल्कुल अपना राजे की तरह अंदरों महल दे विचों बोल दिंदा काम इस तरह कर दो आ काम इस तरह कर दो ये जी वेखो मंत्री आए तो दूजे तीजे उन्होंने तनखावां बंद कीतियां जाण वेखो भला चीकदे कि नहीं चीकदे उन्होंने की अंदर रहन वो आउंदे आ चोर तरह कह देंदे भी अद्धे तो शटर खोल के काम चलाओ मुड़ के दोबारा पुलिस आउंदी आ ते वो डांग फेरन लै पैंदी आ कोई प्रबंध दुकानदारां दा नहीं कीता जांदा इह सानूं दुकानदारां ने दस्सिया भी साडे नाल इह मुश्किलां आउंदियां वा ते अज संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल ते भारतीय किसान जन एकता ग्राहां वल्लों अहीं पिंड नंगली तो शुरू करके तो सारे शहर के इस तरह मजीठा रोड इस तरह अटारी तक इस तरह जितों तक भी साडा अधिकार खेत्र आउंदा अहीं उह सारा चालू रखा सरकार ने सरकारी आदेश डीसी नूं लागू करने दित्ते कि नहीं तो परचे कीते जाण की कहिंदे कोई गल नहीं परचे साडी खुराक आ वेखो सरकार की खुराक आ सरकार रेता खाई जांदी सब कुछ खाई जांदी सरकार टलदी कित्थे आ सरकार साडा प्रबंध ते करे अहीं सरकार नूं इह गल कहिंदे वी सानूं 2 साल अंदर रखो वो जिन्हों फ्री का घर बैठा कुछ खाने मिले वह कदों जी करता बाहर निकल लो पर भुखे कितना मर जाए भुखे कितना मर जाए साढ़े न्याणे साढ़े सामने तरसते रहते भी आह लिया के दो वह लिया के दो की करन लोग वेखो चोरों की तरह रात को निकलते हैं चोरों की तरह रात सब्जी लियाँ इन्हों इन्ना नहीं पता वेखो मैं डेयरी वाले एक दिन अभी मुश्किल सुनिया ताडे टीवी माध्यम ने दसना चाहते हैं भी सवेरे 5 बजे सरकार लॉकडाउन लाती है तो रात को 5 बजे तक रखती है तो डेयरी वाले का मुश्किल सुनिया ना सानू यह गल दसी भी जे अं 5 बजे घरों तुरते हैं 7 बजे जाके चवाई लाने 9 बजे तक एक टाइम की चवाई होंगी है तो दोपहर 12 बजे दोबारा अं चवाई लाने तो मावं सू थले नहीं बहन दिंदियां जो मझा उन्हें थले नहीं बहन दिंदियां तो कितना अं चवाई करांगे इन्हों समझते कुछ भी नहीं है बस मूँह चुके जी गल कहती कहती है प्रशासन वा सारा अधिकार ही इन्हों को वेखन भी लोगों को मुश्किल की और मुश्किलों का हल कर लोग सड़कों के उदों आते हैं जो बिल्कुल भुखे भाने हो बहुत दुखी हो फिर सड़क से आता तुम वेख सकते कि वही गिनती लोग साढ़े नाल चल केंद्र सरकार ते पंजाब दा हर फ्रंट ते फेल नजर आ रही देखो जी जी केंद्र सरकार उन्हें अपना खमियाजा भुगत लिया तो गां भुगतने लिए तैयार रहे उन्होंने यूपी के इलेक्शन के भी उन्हें अपने सरपंच इलेक्शन भी हार गई वा तो इस करके वो तो तैयार रहे तो बाकी एक कैप्टन साहब ने यह गल दसनी चाहते भी कैप्टन साहब तेरी ईडी दी फाइलां केंद्र सरकार के कोल पईआं माड़ा जिहा तेरा वो गाला जिहड़ा दब दिया तो तू उस वेले जो बोली बोलता वो तो दिया मगर तू रटता वा तेनों अपने लोगों का कोई ध्यान नहीं भी लोग किन्ने औखे आ की गल वा अं अमृतसर तुम दसना चाहते हैं भी अमृतसर एड्डा बुरा हाल आ दुकानदार चोरों को अपनी दुकाना खोलते हैं कोई प्रबंध ही नहीं है सरकार का इस करके मजदूरों का कोई प्रबंध नहीं रेहड़ी फड़ी वाले जोड़े उन्होंने रेहड़ियां सब्जियां रोड़ दिखाई जाए आप आम मारे वेने लोग जानते जान किधर है सरकार को प्रबंध करना चाहते सरकार भी कैप्टन सरकार भी अपना जरा खमियाजा भुगतने लिए तैयार रहे जे साडे ते कारवाइया हुई साडे ते परचे हुए ये पिंडा जे एमएलए आउणगे घराओ दब के करा रज के करा सवाल उत्थे भी पुछांगे। उधर इस संबंधी जानकारी देंदे हुए पुलिस अधिकारी का कहना है कि किसान जथेबंदियों वालों रोस प्रदर्शन करना उन्हों का हक है पर किसान कोरोना के नियमों की पालना जरूर करना।
देखो जी किसान जथेबंदियों ने जेकर आना तो हर बंदे नूं प्रदर्शन करना अपने हक नाल लड़न का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, असीं रोक नहीं सकते उन्होंने। लेकिन जी कोविड महामारी खत्म करने जी गवर्नमेंट वालों हिदायत है गाइडलाइनस ने उन्हों की पालना होनी भी जरूरी है। सो उन्हों की पालना करने वास्ते असीं खड़े हाँ, कराने वास्ते भी खड़े हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि दुकानदार दुकाना ना खोलन, अच्छी गल है। किसान सोच महामारी दे चलदिआं सरकार वल्लों कई सख्त पाबंदियां लगाईआं गईआं ने। इन्हां पाबंदियां दी पालना करनी हर एक लई जरूरी है तां जो इस महामारी तों बचिआ जा सके। अमृतसर तों सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।